यो हो, तो क्या हाल चाल है मेरे बैटल स्टार्स के लवर। फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा चारों क्रेट, जी हाँ बिल्कुल पूरा खाली है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे गेम प्ले करने वाले हैं और देखते हैं गाइस मेरे को कौन सा क्रेट मिलता है। हालांकि यहाँ पे गेम प्ले करने से पहले यहाँ पे मैं अपना कैरेक्टर ज्यूका को इक्विपाई कर लेता हूँ, बिकॉज ज्यूका के साथ हम लोग पूरा चारों के चारों मैच खेलने वाले हैं। बेशक यहाँ पे मेरा कोशिश तो रहेगा यार कि हमें प्लैटिनम क्रेट मिले, तो देखते हैं कि गेम प्ले में क्या होता है। मैं चारों मोड को खेलूंगा एक एक करके। तो बाय द वे जो भी बंदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी कॉल पे सेट कर लो। एंड फाइनली यहाँ पे पहले मैच, जी हाँ दोस्तों अपना ओल्ड टीडीएम टीम डेथ मैच स्टार्ट कर दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं जीव का लिया हुआ हूँ। तो देखते हैं गाइस यहाँ पे इस वाले मैच में मेरा कितना किल निकलता है। आप लोगों को तो पता ही है गाइस हमारे ज्यूका का स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है, बट इसका डैमेज यार 1000 के आसपास देता ही है, तो ये एक अच्छी बात है। बस यार स्पीड में थोड़ा सा मात खा जाता है जिसके कारण इसको डैमेज बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरा एक भी किल अभी फिलहाल नहीं निकला है। अपने टीम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग के टीम में एक फ्यूचर टेक्नो है और एक ज्यूका है और एक जैक है जो कि यहाँ पे आई थिंक बॉटी है, बट कोई दिक्कत नहीं है। सामने टीम अच्छी आई है, दो किल शॉट है, एक दिव्या है। ओके यहाँ पे एक किल मेरा हो गया हुआ है, चलो अच्छी बात है, ये एक बढ़िया बात है। सुपर वेपन मेरा एक्टिव है, बस मेरे को शॉट देख करके लगाना है। और यहाँ पे सेकंड किल मेरा हो चुका है फाइनली, और यहाँ पे एक और किल मेरे को करनी पड़ेगी। ओके तो तीन किल हो गया, बट यहाँ पे मैं मर गया, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे शुरू में ही मैंने एक बार मर करके तीन किल फाइनली कर दिया हुआ है। ओके तो यहाँ पे सुपर वन मेरा एक्टिव है और यहाँ से फ्यूचर टेक्नो आ रहा है, तो इसको मैंने सुपर वेपन से मारा, खत्म। एक और भाई खत्म, साथ में ही दो किल निकल गया मेरा। ओके दिव्या यहाँ पे है भाई, ये माउंटेन, ये फाउंटेन मेरा यार डैमेज ब्लॉक कर रहा है भाई, चलो ये ठीक है, मेरे को आगे जाके आई थिंक मारना पड़ेगा। एक और किल मेरे को मिल चुका है, ओपी इन दी चैट। अरे 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 सुपर वेपन एक्टिव है, मेरे को स्विच करना पड़ेगा, देखते हैं। ओपी भाई, अरे मरा नहीं, लगता है उसके पास पावर ज़्यादा है। एक और किल मैंने किया लेकिन यहाँ पे मैं मर चुका हूँ। 70 पॉइंट्स मैंने कर दिया है, मतलब कि दो बार मरा हूँ मैं और 7 बंदों को मार दिया हूँ, तो ये एक अच्छी बात है। और आई थिंक भाई वो शील्ड वील्ड लगा लिया, ओ भाई साहब ये शील्ड लगा हुआ है, मेरे को पीछे भागना पड़ेगा। भाई ये जैक क्या कर रहा है पता नहीं यार, फ्यूचर टेक्नो आगे जाके मर रहा है बार बार, तो आई थिंक फ्यूचर टेक्नो को पीछे से रह के खेलना चाहिए, क्योंकि टेक्नो के पास यार शील्ड रहता है, तो जिसके कारण ये अच्छी बात है। ओके 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 ओके, अरे 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 भाई मेरा किल चोरी हो गया। चल कोई ना, यहाँ पे हम लोग फाइनली मैच को विन कर लिए हैं, 7 किल मेरा है और MVP भी मैं बनाऊँ। ओ भाई साहब फर्स्ट ही मैच में यहाँ पे मेरे को मिल चुका है गोल्ड क्रेट, बहुत अच्छी बात है भाई। इससे पहले मैंने वीडियो दिया था आई गॉट 6 गोल्ड क्रेट, तो अभी भी मेरे को बाय द वे गोल्डी क्रेट मिल रहा है। पता नहीं भाई मेरे को कितना गोल्ड क्रेट मिलेगा पता नहीं। अब हम लोग यहाँ पे अपना सेकंड मोड खेलने वाले हैं जो कि यहाँ पे TDM रंबल, और ये मोड आपका 3 महीना पहले ही आया, आपको तो पता ही होगा हर एक चीज़। ओके यहाँ पे हम लोग आए हैं, मुंबई के साइड आए हैं, और हम लोग के टीम में अच्छा टीम है भाई, एक ज्यूका है, एक डॉन है और एक जेन है। ओके तो आई थिंक सामने वाली टीम उतना ज़्यादा प्रो नहीं है, तो हम लोग के लिए अच्छी बात है, बहुत जल्दी मैच खत्म होगा। ओके चलो गाइज यहाँ पे मैं मारने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से एक बंदा आ रहा है, एक शॉट लगाया बंदे को। ओके ये क्या कर रहा है भाई, ये जाग का कर रहा है, रुक जा इसको मैं फोड़ूंगा सबसे पहले, शायद उस टीम का बॉट है इसलिए शायद वो मार नहीं रहा था मेरे को, चलो कोई बात नहीं। नीचे से एक बंदा आ रहा था, ओके नीचे से आया, इसको मैंने किल चोरी कर लिया, नहीं किल चोरी तो नहीं बोलेंगे लेकिन किल मैंने किया है, 2 किल फाइनली मेरा हो गया हुआ है। ओ भाई साहब इस ज्यूका के पास भी यार सुपर वेपन एक्टिव है, लेकिन मेरा शॉट कनेक्ट कर गया और मेरे पास हो गया है 3 किल, ये एक अच्छी बात है। सुपर वेपन मेरा हट गया हुआ है, नीचे साइड फाइट हो रहा है भाई, 3-3 बंदे नीचे फाइट कर रहे। एक और किल मेरे को मिल गया, वाओ। ओ भाई साहब मैच आई थिंक खत्म होने वाला है, और यहाँ पे मैच खत्म फाइनली, सेकंड मैच भी बहुत जल्दी खत्म कर दिया हमारी टीम ने, अच्छी टीम आई थी, 6 किल किया है हम लोगों ने, और वाह MVP में मैं ही बना हूं। ओ भाई प्लैटिनम क्रेट, यस जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा यहाँ पे पूरा मोटिव रहेगा प्लैटिनम क्रेट निकालना, तो सेकंड ट्राई में ही मेरे को मिल चुका है प्लैटिनम क्रेट, जो कि एकदम मस्त बात है। इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक टारगेट 29 है। अब चलते हम लोग यहाँ पे अपने तीसरे नंबर मोड की ओर, जो कि यहाँ पे है मुंबई मैप। वैसे देखते हैं यार मुंबई मैप में मैं कितना किल करता हूँ, किल करता भी हूँ कि नहीं, या फिर बोया मेरा निकलता है कि नहीं, विक्ट्री निकलता है कि नहीं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे गाइस कि ये मैच खत्म होने के बाद मेरे को कौन सा क्रेट मिलने वाला है। तो फाइनली आमची मुंबई यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है, ओपन दी चैट, यहाँ पे मेरे को एक दिल भी मिल चुका है, सामने बड़ी वाली लूट है, तो इसको हम यहाँ पे लूट को ओपन किए, भाई मेरे को 2 ग्रेनेड मिल गया और एमओ मिल गया और दिल भी मिल गया, वाओ। अब सिर्फ मेरे को एक दिल चाहिए और 2 सू चाहिए, भाई यहाँ पे बंदा मेरे को मिला ओपी भाई, जेन खत्म कर। ओ भाई साहब मैंने तो इसको मारने का मौका भी नहीं दिया, फाइनली उसको मैंने किल कर दिया है, और
मैप में आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत सारे बंदे, एक बंदा ऊपर है। ओ भाई साहब ये कौन है? रुक जा रुक जा रुक जा भाई, इसका नेट वेट नहीं चल रहा है क्या? ओके फाइनली मैंने इसको मार दिया है, बट कोई बात नहीं शायद। ओ भाई कितना जेन है भाई मैच में, पता नहीं भाई इतना सारा जेन है। चलो हमें क्या, हम तो मार रहे हैं भाई। उसने मेरे को मारने की कोशिश की बट कोई बात नहीं यार। वैसे आप लोग का हाईएस्ट कितना किल है? ओ भाई साहब मेरे को एक और बंदा मिल गया, दो बंदे के बीच में फाइट हो रही है। चलो गाइज हम लोग यहाँ पे फायदा उठाते हैं। किलशॉट को तो यहाँ पे हमने मार दिया है, लेकिन डॉन भाग गया आई थिंक। नहीं 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 भागा है, इसको भाग जाना चाहिए था। ओ भाई साहब इसका टोपी मैंने उड़ा दिया भाई। इसी के साथ यहाँ पे हो गया है मेरा 5 किल। और गाइज 1v1 का यहाँ पे सिचुएशन है, और मेरे को यार बंदा मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं खुद अपना पावर को घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं खुद अकेले खेल रहा हूँ बंदे के साथ, बिकॉज यहाँ पे वो बंदा मेरे को दिख ही नहीं रहा है। वैसे मैं कहाँ था? हाँ वैसे आप लोग का हाईएस्ट किल कितना है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। यहाँ पे देखो गाइज मैं बंदे को लास्टली ढूंढ रहा था और ये बंदा मेरे को छुपा हुआ दिखा। ओके तो यहाँ पे मैंने ज्यूका का शॉट दे दिया सुपर वेपन से, और इसी के साथ यहाँ पे मैं मैच को विन कर लिया। 6 किल मैंने किया, और यहाँ पे मेरे को 6 किल करने के बाद वुडन क्रेट मिलता है भाई। छी भाई खैर कोई ना, यहाँ पे हम लोग का अब सिर्फ एक क्रेट स्लॉट बचता है, तो यहाँ पे मैं अपना दिल्ली के साथ बोली लगाना चाहूँगा। और देखते हैं गाइस दिल्ली मैप को फुली कंप्लीट करने के बाद, एमबीपी करने के बाद, सबसे मस्त वाला किल 4 किल करने के बाद मेरे को कौन सा क्रेट देखने को मिलता है। अगर आप लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड हो ना तो अभी सब्सक्राइब करो, अभी घंटी कॉल पे सेट करो, और अभी एक कमेंट कर दो कि भाई आपको प्लैटिनम फिर से मिलना चाहिए। वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई मेरे पास दो दो बॉट आए हुए भाई, दोनों जैक लेकर के आए और दोनों बॉट है। पता नहीं भाई रैंडम स्टार्ट करने पे यार बॉट क्यों मिलते हैं, पता नहीं यार मेरे पास मेरे रैंडम्स क्यों। ओ भाई साहब नीचे से एक प्लेयर आ रहा है, रैंगो वाओ, नहीं रेजर आई थिंक, हाँ रेजर है, अच्छी बात है। इसको ग्रेनेड से उड़ाऊंगा, 3-2 बूम, वाह क्या ही मैंने मस्त मारा है। दिल मेरे को मिल गया, और नीचे एक बंदा नॉक हो गया, वाओ किधर वो बंदा नॉक हुआ है पता नहीं यार, बट मेरे को एक बंदा दिख गया तो इसको मैंने 4 डाला। ओके यहाँ पे एक और रैंगो है, सुपर वन मेरा एक्टिव है, सुपर गन एक्टिव है, खत्म खत्म खत्म, इस रैंगो को मारना पड़ेगा। ओके एक शॉट लगा और खत्म भाई। ओके यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड को रिवाइव नहीं दूंगा, इसको मारूंगा भाई, ऐसे भी ये बॉट है। ओके ओपी दी चैट, यहाँ पे एक और किल मैंने कर दिया, टोटल नंबर ऑफ किल यहाँ पे 3 हो गया है, और इस मैच को मेरे को एकदम अच्छा से खेलना पड़ेगा। रैंगो मेरे को दिखा है, रैंगो को 1000 का डैमेज पड़ा है, यहाँ पे सुपर गन से मैंने मार करके इसको फिनिश कर दिया है। ग्रेनेड से मैं इसको उड़ाऊंगा, 3-2-1 बूम, वाओ एक और किल मेरा हो चुका है, 4 किल फाइनली कर लिया है मैंने, एक अच्छी बात है। देखते गाइज, ओके ऊपर से एक बंदा आ रहा है, और आई थिंक इसका नेट गया हुआ है, पता नहीं गाइज आज के मैच में क्या हुआ है, हर एक बंदा का यहाँ पे नेट जा रहा है, बट अपन को क्या है, अपन तो मैच जीतेगा। ग्रेनेड से इसको भी मैंने उड़ा डाला, और फुल यहाँ पे मेरा मेडिकिट हो चुका है, फुल ग्रेनेड यहाँ पे मेरा हो चुका है, बट अब सिर्फ मेरे को चाहिए 2 सू। नीचे से एक और बंदा आ रहा है, अरे 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 उसको भी मैंने 4 डाला। ओ भाई साहब सेरी मेरे को दिख गया, लेकिन सबसे पहले मैं अपना किल नहीं, ओ भाई साहब बाय 1 गेट 1 फ्री, यहाँ पे मैं एक बंदा को मारा और दूसरा मेरे को फ्री मिल गया, और इसको भी मैंने ग्रेनेड से उड़ा डाला, वाओ 7 किल फाइनली मेरा हो चुका है। और अब इस बारी है सेरी की, भाई सेरी नॉक हुआ है, यानी कि इसका प्लेयर अभी भी जिंदा है, और मेरा टीममेट उधर जा रहा है, तो शायद भाई इसका भी नेट खत्म। भाई पता नहीं पूरा दिल्ली मैच में क्या हो रहा है, आई थिंक ग्लिच व्लिच है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम तो किल तो करेंगे ही। 8 किल हो चुका है फाइनली मेरा, ग्रेनेड मेरे को दिख गया है, ये एक अच्छी बात है, और अभी भी 4 स्क्वाड बाकी है हम लोग की स्क्वाड को छोड़ करके 3। मेरे को एक और बंदा दिखा तो मैंने इसको 4 डाला, अब सिर्फ 3 ही स्क्वाड बाकी है और 6 प्लेयर्स ही बाकी है, और मेरे में 2 प्लेयर है, यानी कि गाइज 2v4 का सिचुएशन है। और मेरे को ऊपर एक और बंदा दिख गया, तो चलो गाइज इसको 4 डालते हैं हम लोग, और इसको 4 डालने के बाद यहाँ पे सिर्फ 1v1 स्क्वाड का कॉम्बिनेशन बचा है, मतलब कि गाइज 2 स्क्वाड बची और 5 प्लेयर रिमेनिंग है, मतलब 2v3 का मैच है। यहाँ पे मेरे को रैंगो दिखा, बट इसका भी नेट गया हुआ था, तो मैंने इसको भी 4 डाला। ओके और इसको मारने के बाद यहाँ पे मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा था, तो इसको फिनिश कर दिया मैंने। ऊपर साइड मेरे को पता है कुछ गोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही थी, फिर मेरे को दिखा किलशॉट, तो यहाँ पे मैं वूस्टर लगा के गया उसको मारने, इसको नॉक किया, तो फाइनली गाइज पता नहीं उसका एक टीममेट कहाँ था, इसको यहाँ पे मैं फिनिश कर दिया। और उसके बाद मैं उसके 3rd प्लेयर को ढूंढने लगता हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। और यही मैच खत्म करने के बाद 13 किल मैंने किया है, पता नहीं, और इसके बाद मेरे को मिल गया पता है वुडन क्रेट, तो ये एक बेकार बात थी। वैसे आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, बाय बाय।